हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आरटी प्रिंस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो आप लोग के मार्कशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो 15 से तो जारी हो चुके हैं, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स, लगभग 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका कि अभी तक भी जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना है। दूसरी बात, दूसरी अपडेट एक तरह से है जहाँ की जिन बच्चों ने ग्रीवेंस डाला था अपने सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड, लाइक कुछ उनका करेक्शन था अगर, या एग्जाम रिलेटेड जिन्होंने ग्रीवेंस डाला था तो उनका जो है सॉर्ट आउट हुआ है ग्रीवेंस। तो अभी क्या है कि उनका दो मार्कशीट, दो दो सर्टिफिकेट्स उनके जो है डाउनलोड हो गए हैं, हो रहे हैं। वैसी स्थिति में उन्हें क्या करना है उनको भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज, अगर चैनल पे न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम आईटीआई की दी जाती है, प्लस स्टडी मटेरियल्स और एग्जाम रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी का भी यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। जॉब अप्रेंटिस से भी आपका सारा चीज़ यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लीजिए, फर्स्ट आया आपका कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट की बात जहाँ तक मैं करूँ, तो देखिए यहाँ पे एक दो बातें हैं उनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहला चीज़ कि जो भी बच्चों के जो मार्कशीट डाउनलोड हो गए हैं या सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गए तो कोई इशू ही नहीं था, कोई अच्छी बात हो गया। लेकिन जिनका नहीं हो पाया है तो एक दो चीज़ आप लोग जरूर कंफर्म कर लीजिए कि पहला नंबर ये कि आपने एक्सेप्ट अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, एक्सेप्ट हम लोग कैसे करते हैं रिजल्ट को, ठीक है, मार्कशीट वेरीफिकेशन में जाकर जो एक्सेप्ट करते हैं वो देख लीजिएगा, वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, चैनल पर अपडेट है। एक्सेप्ट निश्चित ही कर लिया कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है जिनका एक्सेप्टेंस तो वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। रही बात कि बहुत बच्चों ने एक्सेप्ट कर भी लिया है फिर भी उनका मार्कशीट नहीं इशू किया गया है, तो देखिए गाइज मैं आपको दूसरा बात बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो एग्जामिनेशन जो आप लोगों के हुए थे वो फेज़ वाइज हुए थे, है ना। दिसंबर से शुरू हुआ था, फिर जनवरी में हुआ था, फिर फरवरी में हुआ था, है ना। तो इस तरह से आप लोग के एग्जामिनेशन फेज़ वाइज हुए थे। जिनका पहले पेपर हुआ था उनका पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट किया जा रहा है, और जिनका लेट से हुआ है उनका थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, ठीक है। तो गाइज़ अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए आप लोग, हालांकि अभी होली का भी छुट्टी वगैरह था जिस वजह से ये चीज़ें थोड़ी और लेट हो गई हैं, बट अब जो है ये धीरे 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 करके सभी का जारी कर ही दिया जाएगा, और ये महीने के अंत तक में उम्मीद है कि सभी बच्चों के दे दिया जाए, ठीक है। सभी बच्चों के जितने भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सारा डाउनलोड हो जाए। कैसे करते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट्स और कैसे मार्कशीट जो है आप अपने फ़ोन पर प्राप्त करें उसके लिए भी अलग से वीडियो है, सारी अपडेट्स आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। सर्च करना है बस, आपको चैनल विजिट करके चेकआउट करना है, ठीक है। ये हो गया बात, समझ गए। अब आइए, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो पॉइंट है कि जिन्होंने भी ग्रीवेंस डाला था, ठीक है। ग्रीवेंस डालने के बाद उनका क्या हुआ कि सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है, दो दो सर्टिफिकेट, एक तो आपका ग्रीवेंस जब था उस वो वाला, और एक तो जो है करेक्शन के बाद वाला, दो दो सर्टिफिकेट। अभी क्या किया जाए तो देखिएगा, आप लोग को एक चीज़ करना है कि ई वेरीफिकेशन करना है सर्टिफिकेट्स का। ई वेरीफिकेशन पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं कैसे अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करें। हालांकि अभी जो करेक्ट होकर के जो आया हुआ है वो ही आपको लेके चलना है, ठीक है। और पहले वाला जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसमें अशुद्धि है, उसमें एरर है, और अभी जो चेंज होकर के आया है वो आपका वैलिड रहेगा। आप वो पुराना वाला जो गलत वाला तो दिखाइएगा भी नहीं अपना, है ना। जो न्यू वाला जिसमें सारा करेक्टेड है या मार्क्स बढ़ा हुआ जो है वो है, तो वही आप दिखाइएगा, उसको रखिएगा। तो पहले वाला सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं बनता है, तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट भी वो जो है कैंसिल आउट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ भी दीजिएगा आप न्यू वाला दीजिएगा, और आप जब अपना ई वेरीफिकेशन भी कीजिएगा तो वहाँ पर न्यू वाला का ही दिखाएगा आप लोग का, ठीक है। तो होप गाइज कि आपको दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा, और यहाँ पर जितने भी आई टी आई जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है, चाहे आई टी आई की छोटी से छोटी अपडेट भी आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जो जूनियर्स हैं आप लोग के जो कि न्यूली सेशंस में जो एडमिटेड हैं उनको भी रेफर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो होप गाइज कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गया होगा, इसी वादे के साथ कि हम लोग फिर मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।